हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज डेली व्लॉगिंग करते हुए मुझको हो रहे हैं 5वां दिन, एंड चलो हो रहा है, कंटिन्यू करते हैं। अच्छी मज़ा भी आ रहा है मुझे, आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है वो मुझे ज़रूर बताना। और आज सुबह उठ के पता नहीं लगा मेरे को टाइम करा, बच्चों के साथ खेलते उछलते जो भी। फिर और आज ब्रेकफास्ट में उनके लिए बन रहा है पोहा, क्योंकि वो मेरे व्लॉग में देखते रहते हैं कि पोहा बन रहा है या पोहा खाते हो। तो फिर आज वो बोलते कि बुआ हमको पोहा खाना है, क्योंकि पोहा पोहा बोलते रहते हो आप ना। भाभी तो यही बोलती कि पोहा पोहा बोलती रहती है, पोहा खाना है। तो भाभी को मैंने मूँगफली छीलने वाले काम में लगाया, और बच्चे बाहर दूर बैठे हैं तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ पोहा। बाकी पोहा कैसे बनाते हो मैंने दिखा दिया है, तो बस बना के खा के उनका रिएक्शन पूछेंगे कि उनको कैसा लगा। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं पोहा बनाना। और तैयार है हमारा पोहा, और अब हम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। पकड़ो 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 पकड़ो। कितनी ठंड है यार, मुझे सर्दियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो सर्दियाँ बहुत पसंद है, क्योंकि उस टाइम बर्फ़ पड़ती है। आपको बर्फ़ अच्छी लगती है? मुझे तो बिल्कुल सर्दियाँ अच्छी नहीं लगती है, उफ इतनी ठंड। सुबह उठना तो और भी खाओ लगता है। पहले थोड़ा थोड़ा खाओ, ठीक है? अच्छी लगती है और दिन है। ओके ओके एंड हम लोग सारे हो गए हैं अब रेडी, और आज का हमारा डे आउट होने वाला है बच्चों के साथ, क्योंकि भाभी वगैरह आए हुए हैं और बच्चे इन्होंने घूमना फिरना है तो इनको घुमाते फिराते हैं। मैंने बोला मिशी को कि मत जा इसके लिए, फिर तूने दोबारा पैर लगाया ना, भूल गई मैं। और ये है मिशू, रेडी इधर आओ। आज मैं मिशू का हेयर स्टाइल बनाया मैंने, दिखाओ ऐसे करो, वाह जिससे दिखाओ, अच्छा लग रहा है, प्यारी लग रही है। चलो चलो कभी कभी ये मेहमान मेरे, चलो इधर 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 इधर। कल आते वक्त तो नहीं पता लगा, आप जाते वक्त पता लगेगा कितना कड़ाई है। ये कुत्ता तो भौंकते ही रहता है जब ना तब। वैसे भी कुत्ते पहचान लेते हैं ना, कुत्ते पहचान लेते हैं अगर रोज चल रहे होंगे तो। ये नहीं पहचानता। चलो चलो चलो, अभी तो देखो वैष्णो माता की सीढ़ी चढ़ना है। वाह आराम से आराम से। बेटा फिर थक जाओगे अगर ऐसे दौड़ते भी जाओगे यार। क्या बोल रहे हो? हम यहाँ पे क्यों रुके हैं यार? ऑटो का वेट कर रहे हैं बच्चा, पहले थोड़ा जाना हजार तक। आ गया ऑटो, है जगह? हाँ है, है। चलो चलो हम बैठ गए हैं रिक्शा में। तो अभी इन लोगों को इतनी जल्दी है कि सबसे पहले चिल्ड्रन पार्क ही जाना है, तो आयान कब से करे जा रहा है कि चिल्ड्रन पार्क कहाँ है। तो चिल्ड्रन पार्क थोड़ा सा आगे है रिक्शा ऑफिस से, तो सबसे पहले हम इनको वहीं पर ले जाएंगे, थोड़ा सा झूला वगैरह झुलाते हैं घुमाते हैं, उसके बाद शॉपिंग करनी है इनको, कपड़े वगैरह लेना है, फिर पिज़्ज़ा वगैरह ये सब खिलाएंगे। खाना पिज़्ज़ा तो ये है चिल्ड्रन पार्क, यहाँ से चलते हैं। जो चलो घोड़े गाड़ी में बैठ के फोटो वोटो खिंचाना है, हाथी में चलो फिर जाओ जा जा। अरे जाओ कोई बात नहीं, जाओ फोटो लो, बैठो वहाँ। हाँ बच्चों का बच्चे आराम से गिरना मत, यहाँ फटा हुआ भी है ध्यान से। बोरे आप यहीं रोक देना उसको, बीच में जाओ। आप
डर रही है। इनको तो पता नहीं मजा आ रहा नहीं आ रहा, पर मुझे बहुत मजा आ रहा है। डर क्यों नहीं है यार, खेलते क्यों नहीं है, डर लग रहा है आपको? मुझे ऊपर ऊपर कितना ऊपर ऊंचा है। तो कहाँ है ऊंचा, वो तो सीसो है। अब मैं जब ऊपर जाऊंगी तो फिर आप नीचे आओगे, जब आप नीचे आओगे तो मैं ऊपर जाऊंगी। नहीं गिरते ना, पकड़ के रखा था। डरती डरती रहती है इनके साथ। बच्चे बनो मुझे भी बैठना है। अरे वो खराब है, उस पे नहीं होएगा। मुझे बैठना है। बारी बारी से, बारी बारी से। बड़ा मजा आया आज तो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो मैं इनके साथ खुद बच्ची बन जा रही हूँ और वो सारे खेल रही हूँ। बच्चा होता है, सकान बच्चा होता है। अरे वाह, सही बोला। हाँ। बुआ भी हम स्कूल लगाते थे ना, कुछ और खेलते थे साथ। अच्छा, तो हम भी बच्चे ही हो रहे हैं आज, बच्चे वाले लड़के। सारे बच्चों की तरह गेम सब खेला। मजा लग रही है। भूख क्या खाना? पिज्जा। खाना है? चलो फिर पिज्जा खिलाते हैं। ओए ट्रेन आ रही है, ट्रेन। बैठना है? जब कभी शिमला जाएंगे ना तब ले जाएंगे, ठीक है? चलो फिर अभी खाना खाने चलते हैं, पिज्जा खाने चलते हैं। चलो पिज्जा खाने चलते हैं। तो अब हम लोग जाएंगे पिज्जा खाने। मैं इनको वहीं ले जाऊंगी जहां मैं हमेशा जाती हूं, विंडोज। और अब जो है अयान को बैठना है शेर पे। शेर पे बैठोगे आप? हां। चलो फिर चलो ऊपर ऊपर। तो हम लोग जो है पिज्जा खाने आए हुए हैं वेंडर्स में। मैं मोस्ट ऑफ टाइम यहीं पर ही आती हूँ, तो आज भी हम यहीं पर ही आए हुए हैं। और मेरा सेम ऑर्डर रहता है हमेशा, अचारी पास्ता और गार्लिक ब्रेड। आज बच्चे हैं, इन्होंने पिज्ज़ा खाना है, तो आज हम पिज़्ज़ा मंगाएंगे। और बोले आपने क्या खाना है? पिज्ज़े, एक पिज़्ज़ा मंगाएंगे ना, फिर एक वही जो मेरा ऑर्डर है अचारी पास्ता और गार्लिक ब्रेड मंगाते हैं, ठीक है? टेस्ट करना आप। अच्छा, ये सोचती हूँ कि मैं मैदा नहीं खाऊँगी या पास्ता या ये सब नहीं खाऊँगी, तो उतना ही मेरे को हमेशा ये खाने का ऐसा सिचुएशन हो जाता है। अब सब खा रहे तो मैं नहीं खाऊँगी, ऐसा इतना भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ अपने मन में। तो चलो खा ही लेती हूँ। मोटापा गर्मियों में करेंगे इसका इलाज, सर्दियों में खा लेते हैं। और गर्मी जैसे शुरू होगा मैं पक्का से अपना जो एक रूटीन है योगा और एक्सरसाइज वाला वो कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मैंने पिछले साल भी करा था। वाह बेबी, आपको आता है फॉक और नाइफ यूज़ करना? क्या मैंने टीवी में देखा था। हैं और फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा लिया आज। फास्ट फूड मैंने तो ओवर ईटिंग कर ली है, क्योंकि इससे खाया नहीं गया ना पास्ता। नहीं आपको अच्छा लगा पास्ता? इसको पास्ता नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मिर्ची थी ना, मिर्ची खाता नहीं। तो बस हो गया हमारा खाना, अब हम पे करते हैं, उसके बाद अब हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने। चलो चलो चलो, अब जाएंगे हम आनंद। यहाँ देखो कहाँ गए? हाँ अयान के लिए तो अच्छी है ना? नहीं ये देखो, चलो
घूमते घूमते गैस मुझे हॉर्न मिला आज टन टन। ये भी मुझे मार्केट में मिल गई और इसको भी भूख लगी थी तो हमने इतना ठूस दिया था खाने के लिए तो हम एक और जगह आए हुए हैं। आज मैं पहली बार हंगर पॉइंट आई, बहुत अच्छी जगह है यार, बहुत सुंदर लग रहा है अंदर आते ही, बड़ा अच्छा था। तो हमने बोला कि मैं और बाबी कॉफ़ी पी लेंगे, इसको भूख लगी थी तो ये खा रही है रैप। थैंक यू। और ये बच्चों के लिए चिप्स, ये फ्राइज, ये फ्राइज खा लो। एंड बाकी मैं और भाभी पी रहे हैं कॉफ़ी। वाह यार, अरे उफ। तो अब जाके हम लोग घर पहुंच गए और घर पहुंचते ही सबसे पहले हमने क्या किया कि सारे जो भी हमने शॉपिंग करी थी वो सारी शॉपिंग ट्राई की। और मैंने ये ट्रैक सूट लिया था, और ये मैंने ट्रैक सूट लिया था जो मुझे बहुत 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 पसंद आया। एंड और हमने हमारे आयान के लिए लिया ये जैकेट। अरे वाह, इतने प्यारे लग रहे हो आप तो, अच्छा लग रहा है। और मिशू के लिए भी कपड़े कपड़े लिए, शॉपिंग ही करी मतलब। आज हमने खाया पिया और इतना ठूसा है आज खाने में, तो आज खाना तो मैं तो बिल्कुल नहीं खाने वाली हूँ। बच्चों के लिए हम लोग एग्स वगैरह लाए हैं, वो खिलाएंगे क्योंकि इनको भी नहीं खाना है, हैवी हो गया ना, पर जुकाम जैसा है तो बुरे बोल देगी। एग वगैरह खा के जो छाती जाम या गर्म होता है ना वो, इसलिए वो ठीक हो जाता है। तो अंडे खिलाएंगे और दूध वगैरह पियेंगे बस, बाकी खाना तो नहीं बनेगा आज क्योंकि 9:15 हो रहा है, इतने लेट हो गए आज हम लोग, लगभग 8:30 पहुँचे हम रूम आज। तो इतना ही था आज का मेरा दिन, तो यहीं पर ही करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। Bye-bye. Bye-bye.